नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष कुमार, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, ब्रह्मानंदा नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं, जो कि क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और आज ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और हम दोनों ब्रेस्ट कैंसर पे कुछ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताएंगे। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो कि सबसे कॉमन कैंसर हो गया है महिलाओं में, और सर्वाइकल कैंसर को सेकेंड नंबर पे आ गया, ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन कैंसर हो गया फीमेल में। उस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अमित से कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है और इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? नमस्ते। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है। भारतवर्ष में अगर महिलाओं को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, रूरल महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, और जो शहरी महिलाएं हैं, शहरी महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर अगर कोई है तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। इवन कि ग्रामीण महिलाओं में भी अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन वहां पर अभी भी जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, वो नंबर वन है। तो ओवरऑल अगर आप लेके देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन कैंसर हो गया है महिलाओं में, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर बाहर का डेटा आप देखेंगे तो वहां पर है कि 8 महिला में 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। अगर इंडिया की बात करें तो करीब करीब 20 महिला में 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। तो ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ पर भी जितने भी लोग अभी जो पेशेंट हमारा ओपीडी में आते हैं हमारे पास, उनमें अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन कैंसर हो गया है यहाँ पर भी। जैसे डॉक्टर अमित आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, सबसे कॉमन कैंसर हो गया फीमेल में, तो इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है और क्या लक्षण है? लक्षण तो ऐसा है कि ब्रेस्ट में कोई एक गांठ हो सकता है, निप्पल अब अंदर की तरफ जा सकता है, जिसको रिट्रैक्शन बोलते हैं, या कभी कभी निप्पल से डिस्चार्ज आ सकता है। आर्मपिट है, वहां पर कोई गांठ हो सकता है, जो ये गर्दन की हड्डी है उसके ऊपर एक कोई गांठ हो सकता है। तो कोई एक गांठ जो ब्रेस्ट में, जो आर्मपिट में, और जो गर्दन में एक अगर कोई गांठ है तो वो उसका एक लक्षण है। दूसरा हो सकता है कि उससे निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता हो, निप्पल जो है अंदर की तरफ चला गया हो, तो ये सारा लक्षण है जो शुरुआती अवस्था में ब्रेस्ट कैंसर में रहता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा एडवांस स्टेज में हो गया है तो वो किसी दूसरे ऑर्गन को पकड़ लेता है, फिर वहां पर उससे संबंधित कुछ बीमार कुछ लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, आप रिस्क फैक्टर बताएं। आमतौर पर महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर देखा गया जो वेस्टर्न में है कि लेट एज में देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडियन सिनेरियो में आजकल देखा जा रहा है कि जितना मतलब ऑलमोस्ट 30 साल की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, जो सबसे कॉमन ओवरऑल बेसिकली अभी हम लोगों को कुछ ठीक से जानकारी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके कारण बोला जा सकता है कि इनमें महिलाओं में कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस है। उसमें से शादी नहीं करना, लेट मेनार्की होना, बच्चे नहीं करना, या ओबेसिटी और प्लस अल्कोहल का सेवन करना। तो ये सारे जो चीज़ है वेस्टर्न पॉपुलेशन के, वो इंडियन सिनेरियो में भी अब दिखने लगा है, और इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में ज़्यादा दिखने लगा है। कुछ फैक्टर जो आता है कि जेनेटिक, जो एक मिथ है कि हेरिडिटी कितना रोल प्ले करता है, हेरिडिटी जो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ 10% ही रहता है, बाकी सब स्पोरैडिक रहता है, मतलब कि वो किसी महिला को भी हो सकता है, और जिस महिलाएं को होता है तो उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो कि 1% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है रिस्क उनका। तो आपका ये कहना है कि जो रिस्क फैक्टर है उसमें वो वैसी महिलाओं को होता है जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हुए, जो अर्ली मेनार्की है और लेट मेनोपॉज है, और कुछ हार्मोन ले रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया, यही सारे रिस्क फैक्टर। ये सारे रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर आशीष, फिर हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है? जैसा कि आपने डॉक्टर अमित आपने जैसे बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रमुख लक्षण है कि ब्रेस्ट में गठान होना। कोई भी महिलाएं को अगर लगता है कि गठान ऐसा कुछ दिख रहा है या उभर रहा है, तो जाके कंसर्न डॉक्टर से मिलें, स्पेशली अगर कैंसर सर्जन या कैंसर के स्पेशलिस्ट उनसे मिले। पहला चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी गठान ब्रेस्ट में होना कैंसर नहीं है, जो आमतौर पर धारणा होती है। बहुत महिलाएं स्पेशली अनमैरिड फीमेल ये सब में फाइब्रोडिनोमा भी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन सबसे पहला चीज़ है डॉक्टर से कंसर्न करना कि अगर गठान आ रहा है या निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है,
कि उसका वर्कअप कैसे किया जाए। तो पहला जो चीज़ है, एक होता है अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी कराना, दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन करना डॉक्टर से, तीसरा चीज़ होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बायोप्सी लेना। अगर शक हो रहा है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें बायोप्सी का रोल आता है। आजकल गन बायोप्सी किया जाता है जो कि कॉमन हो गया, पहले फिनेसी सुई से निकाल के देखा जाता था लेकिन अब ये ऑब्सोल्यूट हो गया है, और कोर नीडल बायोप्सी किया जाता है जिससे हमको पता चल सकता है कि वो कैंसर है कि नहीं है। इनकेस अगर बायोप्सी में कैंसर आता है तो फिर हम लोग उसका आगे का स्टेजिंग करते हैं, बाकी जांच करते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वहीं पर लोकलाइज है ब्रेस्ट में है या कहीं और फैल गया है। उसके लिए हम लोग जो करते हैं, अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, साइज 5 सेंटीमीटर छोटा और कहीं कांख में गिल्टी नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट का देखने के लिए कि लिवर में है कि नहीं है, और छाती का एक्सरे करके देखते हैं कि वहाँ गया है कि नहीं गया। इसके अलावा अगर बीमारी बढ़ा हुआ है, देख के लग रहा है कि बीमारी बढ़ा हुआ स्टेज 3 और 4 में है, तो फिर हम लोग बाकी जांच कराते हैं जिसमें सिटी स्कैन थोरैक्स आता है देखने के लिए कि कहीं और है कि नहीं है। तो ये डायग्नोसिस के लिए आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, जिसको हम लोग ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस के बारे में। डॉक्टर अमित, आप हमें कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का? डायग्नोसिस होने के बाद अब बारी रहती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। जो 3 पद्धति है वो सारी की सारी ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, और इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से अगर शुरुआती अवस्था में आए तो ठीक कर सकते हैं। तो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, वो है सर्जरी। अगर सर्जरी हो सकता है तो पहले सर्जरी कराना है। सर्जरी नहीं हो सकता, अगर डिजीज़ बड़ा है तो हम उसको दवाई देके थोड़ा छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद फिर रेडिएशन देते हैं। तो ये 3 पद्धति, सर्जरी, मेडिकल मैनेजमेंट और रेडिएशन, ये 3 का 3 उसमें यूज़ होता है। और उसमें कुछ मार्कर देखते हैं, अगर वो मार्कर पॉजिटिव है, हार्मोन का बेसिकली वो रहता है, तो हार्मोनल थेरेपी भी देने का रहता है। इसके अलावा जो कुछ है अभी जो उसमें ब्रेस्ट कैंसर में बहुत यूज़ हो रहा है वो रहता है कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसमें एक मार्कर होता है HER2 न्यू, अगर वो पॉजिटिव है 3+ है तो उसमें एक टारगेटेड थेरेपी है जिसको देते हैं, जिससे सर्वाइवल में बहुत फ़र्क पड़ता है। और रिसेंटली अभी का जो बर्निंग टॉपिक आ रहा है वो है इम्यूनोथेरेपी। अभी ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी बहुत तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑपरेबल है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, उसको सर्जरी कर देना है पहले, फिर उसको कीमो के लिए भेजना है, फिर रेडिएशन की ज़रूरत है, प्लस माइनस वो हार्मोनल थेरेपी है। अगर वो ब्रेस्ट कैंसर बड़ा है, लोकली एडवांस है, तो उसमें भी, किताब तो नहीं कहता लेकिन उसमें भी मतलब लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में पहले सर्जरी कीमो देके उसको छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो एडवांस रहता है उसको LOBC बोलते हैं, मतलब वो लोकली एडवांस है लेकिन ऑपरेबल है। फिर भी जो अगर ओवरऑल आप देखें तो सर्जरी के पहले अगर हम कीमो दें लोकली एडवांस में तो आउटकम पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और तीसरा रहता है मेटास्टेटिक डिजीज़, जो अपने जगह को छोड़ के कहीं और चला गया है, उसमें हम क्योर तो नहीं दे सकते हैं लेकिन सर्वाइवल बहुत बढ़ा सकते हैं। तो 3 मेजर ट्रीटमेंट है उसका, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। इसके अलावा जो इम्यूनोथेरेपी है वो है, हार्मोनल थेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी है। डॉक्टर अमित, जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में 3 पद्धति का कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से यूज़ होता है, चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, चाहे सिकाई हो या रेडिएशन थेरेपी हो, तो ये इलाज कितना महंगा है और हमारे हॉस्पिटल में कुछ इसके बारे में किया गया है कि नहीं किया गया? इलाज का एक्चुअली 2 चीज़ इसमें है, एक तो महंगा तो है और दूसरा कि बहुत लंबा इलाज रहता है। तो अभी आयुष्मान भारत आ जाने से इलाज तो बहुत ही सस्ता हो गया है। आपको सर्जरी के लिए, रेडिएशन के लिए और कीमो के लिए पूरा का पूरा आपके पास सुविधा है, आप आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर्जरी आराम से हो सकता है, कीमोथेरेपी आराम से हो सकता है, और रेडिएशन के लिए जहाँ पर टाई अप है वहाँ हम लोग भेज देते हैं। तो अभी तो इलाज वाली बात तो बिल्कुल ही, महंगाई वाली बात तो बिल्कुल खत्म हो गई, महंगा तो बिल्कुल ही नहीं रहा, आप आराम से ट्रीट ले सकते हैं। ये है कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये पूरा ट्रीटमेंट,
उसमें थोड़ा मतलब आदमी को लगना पड़ता है, मरीज खुद से आ नहीं सकता, उसके साथ एक और आदमी की जरूरत पड़ती है। तो बस ये दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि ट्रीटमेंट आराम से हम करवा सकते हैं, सुविधा है हमारे शहर में, और सुविधा जो है निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, आप आके आराम से आयुष्मान भारत से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो शुरुआती अवस्था में आने के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हम शुरुआत में पकड़ सकते हैं? शुरुआती दौर में पकड़ने के लिए पहला चीज़ है कि जितनी महिलाएं हैं स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35, एक तो सेल्फ ब्रेस्ट रिकग्निशन उनको आना चाहिए, जो कि वो आके किसी भी सीख सकते हैं। और बहुत इजी है, अपने पाम को ब्रेस्ट को बेसिकली चार क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है और पाम से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कोई भी एक डायरेक्शन में घुमा के फील करते हैं। अगर कोई चीज़ उनको लगता है कि कोई गांठ या कुछ ऐसा है तो डॉक्टर से तुरंत मिले। दूसरा चीज़ आता है कि सिम्टम जो है कि निप्पल अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। तीसरा हो गया एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं, उसमें एक यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में एक आई ब्रेस्ट रिकग्निशन है जिसका यूज़ हम लोग फ्री में करते हैं, और उससे एकदम अर्ली स्टेज में जो कि क्लिनिकली भी नहीं मिल रहा हम लोग को, क्लिनिकली मिलने के करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो भी नहीं मिल दिख रहा तो हम लोग आई ब्रेस्ट से एग्जामिनेशन मेमोग्राफी से करके हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कैंसर है कि नहीं। उसके बाद उसका एफिनेसी या बायोप्सी करके पता कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। तो डॉक्टर अमित, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, तो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में कुछ नया चेंजेस आया है या कुछ नया पद्धति आया है जिससे हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं? स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए पहले तो हम एक्सरे और अगर बहुत छोटा है तो MR से करते थे। एक्सरे में शरीर को बहुत रे लगता था, रेडिएशन हजार्ड बहुत होता था, और MR बेस्ड जो मेमोग्राफी था वो बहुत महंगा होता था। तो बीच बीच का एक रास्ता निकाला, एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेमोग्राफी आया है। वो बहुत ही एक छोटा डिवाइस है और वो स्मार्टफोन से कनेक्टेड रहता है। ब्रेस्ट के चारों क्वाड्रेंट को बारी बारी से एग्जामिन करते हैं, और इवन कि अगर वो मिलीमीटर का गांठ है ना तभी भी वो पकड़ लेता है। यूजुअली जो मेमोग्राफी होता है वो सेंटीमीटर के गांठ को पकड़ता है, अगर गांठ सेंटीमीटर में हो तब, लेकिन ये मिलीमीटर का जो गांठ है उसको भी पकड़ लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड बेस्ड है, कुछ रेडिएशन हजार्ड कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ पे फ्री होता है। कुछ हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनके पास वो मशीन रहता है और वो मतलब गांव-गांव में जाके अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको डिटेक्ट करती हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा था जो यहाँ सबसे ज़्यादा लैक किया था स्पेशली इस रीजन में वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। कैंसर जैसे वेस्टर्न कंट्री में क्रॉनिक डिजीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि मीन्स कि सर्वाइवल बहुत बढ़ गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग वहाँ पे बहुत अर्ली स्टेज में पेशेंट सब आ रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि लेट स्टेज में आ रहे हैं, स्टेज 3 और 4 में आ रहे हैं मैक्सिमम। उससे क्या होता है कि इलाज भी महंगा हो जाता है, सर्वाइवल रेट भी कम हो जाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो देना है कि कैंसर का इलाज संभव है, और जितना जल्दी हम कैंसर का ट्रीट करें, जितना जल्दी हम लोग कैंसर के मरीज को देखें अर्ली स्टेज में, उतना अच्छा सर्वाइवल होने का उसका चांस बढ़ जाता है और इलाज महंगाई भी कम हो जाता है। तो पहला मैसेज यही है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर से डरना है, डरना नहीं है, और एक अवेयरनेस पब्लिक में जाना चाहिए कि कैंसर का इलाज है, क्योंकि सबको लगता है कैंसर मींस मौत, ऐसा नहीं है। अभी इतना सारा दवा और इतना एडवांस हो चुका है कि अगर हम जल्दी स्टेज में आते हैं तो क्योर मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।